प्राचीन काल में वज्र संघ नाम का एक शक्तिशाली राष्ट्र था। ये राज्य वास्तविक अर्थ में अपने समय का राज राज्य था, जहां राष्ट्रीय कार्यों में वहां का एक एक नागरिक अपनी इच्छा से पूर्ण सहयोग देता था। पड़ोसी राज्य मगध के तत्कालीन राजा अजातशत्रु की वज्र संघ पर नजर थी, किंतु कई बार प्रयत्न करके भी वह उसे जीत न सका। तब उसके मंत्री वर्षकार ने राजा अजातशत्रु के साथ मिलकर वज्रवंश में आंतरिक फूट डालकर उस पर विजय पाने की योजना बनाई। अब मंत्री वर्षकार राज्य में खुलकर वज्र संघ की प्रशंसा करने लगा। फिर उसने वज्र संघ के अधिकारियों के नाम गुप्त संदेश और उपहार भेजने का नाटक किया तथा अपने आप को पकड़वा भी दिया। इस तरह राजा अजातशत्रु ने उसे देशद्रोही करार देकर राज्य से निकलवा दिया। मंत्री वर्षकार ने अब वज्र संघ में शरण ली। उन्होंने उसे शत्रु का भेदी मानकर उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। बस वर्षकार को भी इसे दिन की प्रतीक्षा थी। अब उसने वज्र संघ में अपना दुष्चक्र चलाना शुरू कर दिया। वह वज्रियों को गुप्त रूप से उनके हितेशियों और मित्रों के खिलाफ भड़काने और लड़वाने लगा। एक दूसरे के विपरीत मनगढ़ंत और अपमानजनक बातों का प्रचार करके वर्षकार ने 3 वर्ष के भीतर पूरे राष्ट्र में फूट के बीच बो दिए। परिणाम ये हुआ कि लोग बहक गए और एक दूसरे को अपना गुप्त शत्रु मानकर आपस में दुश्मनी रखने लगे। वज्र संघ की एकता भीतर ही भीतर नष्ट हो गई। वज्र संघ को इस प्रकार निर्बल बनाकर चतुर मंत्री ने अजात शत्रु को आक्रमण करने का गुप्त संदेश भेजा। निश्चित रूप से इस बार अजात शत्रु को पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा और वज्जियों ने अपनी सत्ता महत्ता सदा के लिए खो दी। हमें भी इतिहास से सबक लेते हुए अपनी एकता और आंतरिक शक्ति को खंडित नहीं होने देना चाहिए। परम ज्ञानी भीष्म ने भी गणराज्यों के नाश के यही उपाय बताए हैं। भेदाच्चैव प्रदानाच्च विद्यन्ते रिपु भिर्गणाहा, अर्थात कोई भी चीज जब भीतर से कमजोर होती है तभी उस पर बाहरी चोट का असर होता है। नमस्कार। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। प्रकृति ने वो सब कुछ चीजें दी है जो मनुष्य और मानव मात्र के लिए जरूरी है, जो प्राणी मात्र के लिए जरूरी है, और उसके साथ साथ हमारे मनोरंजन के लिए भी सब कुछ दिया। प्रकृति की स्वर लहरियाँ, चाहे वो झरनों में हो, चाहे नदियों में हो, चाहे वो पशु पक्षियों की चहचहाट में हो, वो सब कुछ मनुष्य को किसी न किसी स्वरूप में आकृष्ट करती रही है। और जब हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत सही मायने में, चाहे वो गाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे नाचना हो, वो किसी न किसी स्वरूप में मनुष्य उसके साथ में जुड़ा रहा है। और अगर संगीत के उदय की बात करें तो संगीत का उदय मानव सृष्टि के निर्माण के साथ ही संगीत का उदय भी माना जाता है। भारतीय संस्कृति में तो खासतौर पर संगीत हमारी एक समृद्ध परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति का आधार हम वेदों को मानते हैं और वेदों में सामवेद वो तो पूरी तरह से संगीत का माना जाता है। और सामवेद के गायन की अगर परंपरा को हम आगे ले जा करके आज के परिवेश में बात करते हैं तो ध्रुवपद
या ध्रुपद जिसे कहा जाता है, वो सामवेद की गायन की एक समृद्ध शैली है और ध्रुपद आज न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में संगीत की एक विशिष्ट शैली के रूप में विख्यात है। आज सुप्रभात धरती धोरानी में हमारे साथ में है विख्यात ध्रुपद गायक उस्ताद सईदुद्दीन खान साहब डागर। सईदुद्दीन साहब नमस्कार, नमस्कार और स्वागत आपका आज आपका, के हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत आभारी हूँ कि जयपुर दूरदर्शन की तरफ से धरती धोरारी के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका और आपके डायरेक्टर का और केंद्र का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया आपका और आपका स्वागत है। हमारे सारे दर्शक आपको कार्यक्रम को देख रहे हैं पूरे राजस्थान ही पूरी दुनिया में, और सईदुद्दीन साहब आप पूरी दुनिया में प्रोग्राम भी करते रहे हैं ध्रुपद के बारे में सब कुछ लंबे स्वरूप में करते रहे हैं। और धोरों की धरती की बात करें तो आपका जन्म तो राजस्थान में हुआ। जन्म मेरा अलवर में हुआ, बड़ा कलकत्ते में हुआ, उसके बाद में जगह जगह की के पानी पीने के बाद में जहाँ जहाँ भाग ले गया वहाँ, और आखिर में फिर जयपुर भी रहा 10 साल 1970 to 1980, उसके बाद में फिर पूना चला गया और अब पूना में हूँ। पूना में अभी संगीत की साधना आप लगातार। और मुझे बहुत आपको एक प्रसन्नता की बात बताता हूँ कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अवार्ड जिसको मैं रिवार्ड मानता हूँ वो महाराष्ट्र की तरफ से मुझे अभी पूना में मिला है, बाल गंधर्व पुरस्कार। बाल गंधर्व पुरस्कार आपको मिला, बहुत अच्छी, बहुत बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए। लेकिन लोग इसको अवार्ड मानते हैं, मैं इसको रिवार्ड मानता हूँ, क्योंकि संगीत क्षेत्र में जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने काम किया है उसके हिसाब से मैं रिवार्ड मान के बात करता हूँ, अवार्डों पे मैं बिलीव नहीं करता। रिवार्ड आपको मिला और रिवार्ड तो सरकार अपनी रिवार्ड देती रही है, और संगीत को रिवार्ड करने की तो पुरानी परंपरा रही है। राजघरानाओं में हमेशा, चाहे जयपुर राजघराने ने भी प्रश्न दिया, ग्वालियर घराने ने प्रश्न दिया, जोधपुर और उदयपुर घराने ने प्रश्न दिया, और अब सरकारें भी किसी न किसी स्वरूप में संगीत को प्रोत्साहन देती है, प्रेरणा देती है और आगे बढ़ने का मौका भी देती है। और रिवार्ड जो सही मायने में माने तो रिवार्ड जनता से मिलता है, जनता के दिलों से मिलता है, और जनता के दिलों में, संगीत प्रेमियों के दिलों में जो आपके प्रति श्रद्धा है वो संभवतः सबसे बड़ा ये ईश्वर की कृपा है। सबका स्टेज पर सिर्फ आशीर्वाद काम करता है, आपके खुद के खुद कुछ नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ज़रूर कहूँगा, सॉरी, कि अगर राजा महाराजा नहीं होते तो संगीत दिखता ही नहीं आपको। अगर सवाई राम सिंह जी नहीं होते तो हमारे बहराम खां साहब भी नहीं होते, जय सिंह जी नहीं होते अलवर के तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी भी नहीं होते, अल्लाह बंदे खां साहब भी नहीं होते, हुसैनुद्दीन खां भी नहीं होते, उदयपुर के महाराणा अगर नहीं होते तो जाकिरुद्दीन खां साहब और जयाउद्दीन खां साहब ये लोग नहीं होते। उनकी वजह से आज हम, क्योंकि उनके राज गायकों में रहे हैं, रजवाड़े में रहे हैं, हम उसको, हमारे ब्लड में वो है, खून में वो है, हम उसको नहीं भूल सकते। और जब ये सिस्टम ख़त्म हो गया तो हमें ये मालूम ही नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा, इसलिए हमारा परिवार कहीं बाहर निकला ही नहीं। जब ये ख़त्म सिस्टम हो गया तो हमें बाहर जाना पड़ा, तो कोई लखनऊ गया, तो कोई बॉम्बे गया, तो कोई कलकत्ते गया, तो इस तरह से करके हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन हमारा अटैचमेंट, क्या अपनी माँ को कोई भूलता है? बहुत सही कहा, बहुत अच्छा। तो ये हमारी मातृभूमि है, वो दूसरी बात है कि मातृभूमि वाले हमें भूल जाए। नहीं नहीं, कोई मातृभूमि भी नहीं भूल रही है। ये तो सही है, ये तो मैं सही कह रहा हूँ आपसे कि ये भूल गए। मुझे जयपुर से जो अपेक्षा थी वो मुझे नहीं मिला। आप सईदुद्दीन साहब सही फरमा रहे हैं कि जो संगीत की साधना साधक हैं उन्हें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपेक्षाएं भी होती है, वो साधना करते हैं तो बदले में रिवॉर्ड की भी ज़रूरत होती है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सवाई राम सिंह जी ने उस्ताद बैराम खां साहब जो बहुत बड़ी हमारे पूरे थी, यह समझ लीजिए उनके कारण से हम जिंदा हैं, उनके कारण से। और आज 19वीं पीढ़ी में आप हैं और 20वीं पीढ़ी में आपके दोनों सुपुत्र भी यहाँ पर संगीत की साधना, ध्रुपद की साधना में लगे हुए हैं। मैंने इनको भी इस आग में डाल दिया है। बहुत अच्छा किया आपने, बैराम खां साहब के बारे में और मरेंगे भी ध्रुपद के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। फरमाइए। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा बैराम खां साहब के व्यक्तित्व के बारे में। बैराम खां साहब, देखिए ये तो मैं सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तो मैं जिंदा, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये सुनने में आया कि उनके 450 शिष्य थे गुरुकुल के हिसाब से, और महीने में वो 3 या 4 दफे जाते थे अपनी तनख्वाह लेने के लिए राज में,
कि हुक्म मुझे तनख्वाह ही नहीं मिली, फिर वो उनको कह रखा था भाई जितनी बार भी मांगे दे देना, वो पैसे 11 रुपए उनको मिलते थे उस वक्त, उससे वो सबके लिए खाना वाना जो भी होता था वो लेके घर चलते थे, दाल रोटी घी की खाई और चने भी लेके गए, जब नहीं बचा तो चने भी एक साथ में रख के इस तरह से करके सिखाया, और जब वो सीख गया तो उसको 2 जोड़े कपड़े, कुछ पैसे और 1 तानपुरा दे के कहा भाई अब तू खा जा खा कमा। लेकिन उसमें काफ़ी नामी ग्रामी लोग थे जिस वक्त के, लेकिन देहांत से पहले 125 साल के होकर उनका देहांत हुआ, देहांत से पहले उन्होंने एक बात कही कि जो भी गुरुकुल की जो प्रॉपर्टी है वो राज्य को वापस कर दी जाए। तो सब लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी जो परिवार है वो क्या करेगा, तो एक बात उन्होंने ऐसी कही कि अगर जमीन घर रहा तो सब आपस में लड़ते रहेंगे, संगीत को कोई नहीं रख सकेगा। बहुत खूब बहुत खूब। और उसके कारण से आज की तारीख तक डागर पूरा परिवार किराए के मकान में रहता है, उनका अपना मकान नहीं है, जो कि डागर फैमिली का एक मकान है जयपुर में, वो एक ही है। एक परंपरा ये भी सुनी है कि डागर बंधु कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी हो, मुहर्रम के मौके पर जयपुर में बैराम खान साहब डागर की चौखट पर। बिल्कुल आज भी वही है, आज भी वही है कि हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम वो 15 दिन हम यहाँ रहते हैं और उस चौखट के ऊपर में अलम भी आते हैं और छोटे ताजी भी आते हैं, हम उनको नजराना पेश करते हैं अकीदत का। सईदुद्दीन साहब, मैं थोड़ा सा और, हमारे बहुत सारे दर्शक ध्रुपद के बारे में बहुत कम जानते होंगे, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो मैं उनके लिए जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनको बताएं ध्रुपद है क्या। देखिए क्या है कि ये शैली है, और जो आप जो डागर बोल रहे हैं ना, ये 4 वाणियाँ हैं, डागर वाणी, खंडार वाणी, नौहर वाणी और गौवरार वाणी। हम लोग डागर वाणी के करते रहते हैं, इस वजह से हम डागर कहलाने लगे। डागर कोई गोत्र नहीं है या कोई सरनेम नहीं है, लेकिन क्योंकि डागर वाणी के गायक हैं इसलिए सब लोग हमें डागर कह के कहने लगे, तो हम डागर हो गए। तो ये शैली उसकी है, और इन सब शैलियों में 2 शैलियाँ जो हैं वो तानसेन जी के घराने की, जिसको सैनिया घराना कहते हैं, एक वाद्य की है, ये वो जो सैनिया घराने को रिप्रेजेंट करते हैं वो जाने, हम सिर्फ डागर के डागर वाणी के लिए बोल सकते हैं। हमें जो सिखाया गया, हमें नाथ के उपासक का सिखाया गया, ओम नाथ ब्रह्म को सिखाया गया, हम ईश्वर के और अपने लिए गाते हैं और अपने गुरु के लिए गाते हैं, हम आपके लिए नहीं गाते, क्योंकि हम आपके लिए गाएंगे तो हम आपको समाधान नहीं कर सकेंगे, अपना खुद को नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये दिखावा हो जाएगा, और ये संगीत मनोरंजन का नहीं है, शास्त्रीय संगीत जो है वो इबादत का है, क्योंकि जो मंदिरों में और क्या नाम है देवी देवताओं के सामने बैठ के गाया जाता था, श्रोतागण पीछे बैठते थे, आज भगवान को पीछे बिठा दिया, लेकिन श्रोतागण में हम आपके लिए गा रहे हैं, ये अगर कोई कहता है तो मुझे किसी पे कहने पे कोई मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा खुद को अपने आप को दे रहा है वो, क्योंकि वो आपके लिए अगर कहेगा तो मैं सुना ही नहीं सकता आपको, इबादत है ये तो, प्रार्थना है, इबादत ऐसे थोड़ी हो जाएगी साहब। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, संगीत की अलग अलग शैलियां हैं, ये इबादत है, और संगीत इसी स्वरूप में शुरू हुआ, सामवेद तो इबादत का ही, पूरी तरह से प्रार्थना का ही वेद है, जो यहाँ पे सानंदम नंदी हस्ता क्यों कह रहे हैं, या मंगल कलश द्वयमय कुंभ मदन भेन भजत गज वदनम क्यों कह रहे हैं, इसका अपने यहाँ कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप गणेश जी को पूजन करते हैं तो उसके लिए जयति श्री गणेश शंकर सुत लंबोदर, जयति श्री गणाधीश सुर नर मुनि वर पूजित जय, उमा तनय सिद्धि सदन नमो नमय इदम ममते एक दंत गज वदन सुखद सुफल मंगलमय, हम उनसे कामना करते हैं, इसमें जाति कहाँ आ गई। मुझे एक आपके गणेश स्त्रोत की, जो आपने गणेश जी की बात की, तो हम आपसे हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि शुरुआत आज कुछ गणेश जी के स्त्रोत के साथ में ही आज की ध्रुपद गायकी से हम दर्शकों को आनंदित करें। जयति जयति श्री गणेश शंकर सुतलम्,
बॉर्डर लंबोदर जयति जयति श्री गणाधीश सुर नर मुनि जन देव उमातने ये हम समर्पित कर रहे हैं अपने आप को उमातने सीधि सरण नमो नमः इदं ममते एकदंत गजवरण सुखद सुफल मंगलमय बहुत खूब। इतना शानदार आनंदमय प्रस्तुति रसमय प्रस्तुति जो भाव विहोर कर देती है हम तो आग्रह करेंगे कुछ और बढ़ा दें जी जरूर जरूर देखिए हमारे जो राग हैं वो समय के हिसाब से हैं ये शाम का राग था ये रात का राग ये शाम का राग था आप ध्यानकार हैं इसके मुझे मालूम है आप मैं आप धरती धोरे देखता रहता हूँ पूर्णाथ में वहाँ पे आप जो सुबह के राग में जो भैरव 12 प्रकार के भैरव में सब शिव उपासना के राग हैं शिव उपासना के राग हैं कुछ राग ऐसे हैं जो सूर्य उदय से पहले के हैं कुछ राग ऐसे हैं जो सूर्य उदय के समय के हैं लेकिन कोमल रे एक ही की है मुझे कोई जगह बता दे कहाँ जाऊँ तेरे री नोर री ये नाद का रूप है ये प्राप्ति हुई ये लक्ष्य है हमारा ये सूर्य उदय से पहले का है क्यों जब सुबह एक पौ फटती है तो घर की औरतें घर के दरवाजे खोल देते थे क्योंकि उस वक्त अन्न बढ़ता है उस वक्त लक्ष्मी आती है इसलिए घरों के दरवाजे खोल दिए जाते थे मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाते थे मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जाते थे चर्च के दरवाजे खोल दिए जाते क्यों वो उस वक्त दिन ये 4 से 6 का समय हम लोग को 2 से लेकर 4 बजे तक का जो सुबह का सेशन हमें जो सिखाया जाता था उस वक्त हमें ये रागों को समझाया जाता कि ये इसका अर्थ क्या है ये सिर्फ स्वर नहीं है आपकी भावना है कि आप उसको किस प्रकार से प्राप्त करोगे लेकिन आपके आप कोशिश ही कर सकते हो बगैर आशीर्वाद के आपको मिलेगा नहीं हम जब उसको
आराधना करते हैं उसको, उसको समर्पित करते हैं अपने आप को, बाबा ये स्वर लग जा। क्योंकि ये वातावरण उस समय का है जब पॉप हटती है, हल्की सी लाइट रहती है, धुंधला धुंधला आकर, लेकिन जब सूर्य उदय का टाइम आता है, सारे गमरे रे सा नीर पर नीर रे सा, क्यों सारे रे 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 ग रे, ये पूजा है रे न तेरी इच्छा और क्योंकि जब ये उस समय का है जब सूर्य को हम अर्घ्य चढ़ाते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा आधा बदन पानी में है, इसलिए सूर्य की पोजीशन गंधार पे है, सारे घर यहाँ है, क्योंकि पानी जल में है, गंगा के अंदर में आधा बदन रहता है, तो आप उसकी पूजा करते हैं, तो ये जो सूर्य का लेवल है वो गंधार पे आ गया है, सागर सारे घर ये स्थान बने हुए उसके रे रे सा। और महाराज संगीत जो है प्रैक्टिकल है, लिखित रूप में मैं इसको बयान नहीं कर सकता। आज मैं बाहर भी जाता हूँ, मेरे पास बाहर में पेरिस में और बेल्जियम में कम से कम 20-20 स्टूडेंट हैं, मैं उनको सिखाता हूँ, वहाँ जाके एक वर्कशॉप में जाता हूँ जिसमें कि मैं समर वर्कशॉप में जाता हूँ, एक हफ्ते में मुझे 18 से 20 स्टूडेंटों को सिखाना पड़ता है और वो एक वीक में गाते हैं, और सब विदेशी होते हैं, विदेशी, एक भी कोई इंडियन नहीं होता, और पखावज के साथ गाते हैं, और पूजन चली महादेव चंद्रवदनी मृगनयनी हंस गमनी पार्वती, कर लिए अग्रथाल पुष्पन के गुंदेहार मुख दिए राजराय देवन देव महादेव, या डमरू हर कर बाजे त्रिशूल धर कर, ये इस प्रकार की बंदिशें वो गाते हैं पखावज पे। सईदुद्दीन साहब, ये जो विदेशियों में इतना लोकप्रिय होता जा रहा है, क्या कारण मानते हैं इसका विशेष? हमारे यहाँ हर चीज की जल्दी हो गई है, हर चीज की जल्दी हो गई कि कब तैयार हो जाएगा, तो अगर साहब ये बच्चे आपके पास में भेज रहा हूँ, बस इसको ले लीजिए, इसको जल्दी से तैयार कर दीजिए, अगले महीने इसका टीवी का कार्यक्रम है। आप मुझे बताइए क्या मेरे हाथ में कुछ ऐसी जादू की पुड़िया है या कुछ ऐसा भरा, मैं कहता हूँ भाई ये पानी की पिला जॉब यह तैयार हो गया, जो मुझको इतना समय, अगर ये होता तो मैं खुद को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कर देता ना, मैं उनके लिए क्यों करता ये बात। सही। और बात यहाँ की मैं क्षमा चाहते हुए कहूँगा, मैं इससे मुझे कोई रिफ्यूज नहीं है कि आज जो टीवी पे हो रहा है जो कार्यक्रम चल रहे हैं बच्चों के, उन बच्चों के क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, वो शास्त्रीय संगीत की बजाय दूसरी धाराओं में बह रहे हैं जो संगीत और को। फिर कभी ऐसा हुआ है कि गुरुजन खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देंगे स्टूडेंट्स को? ये वो जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा तोड़ रहे हैं, ये परंपराएं तोड़ रहे हैं। अभी अच्छी बात है कि आपके सुपुत्र यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर गायत्री शर्मा, गायत्री शर्मा हमारे वासिफुद्दीन डागर साहब की शिष्य हैं। वाह वाह वाह, बहुत ये दिल्ली कानपुर एक पर है, दिल्ली की है ये, दिल्ली से। मैं चाहूंगा कि आपके दोनों सुपुत्र नफीसुद्दीन साहब और अनिसुद्दीन साहब और डॉक्टर गायत्री जी और सामूहिक रूप से कोई ऐसी प्रस्तुति सुबह की राग की तो हमारे सारे दर्शकों को आना। शिव के कितने प्रकार के नाम है सुन लीजिए, शिव 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 शंकर शंभु पशुपति गंगाधर उमा पर
नारायण देव शिव 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 शंकर नील कैलाशी काशीनिवासी रूप बहु रूप त्रिशूल धारी देव शिव 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 शंकर। ये कोमलेश भटियार में बंदिश है। बहुत बहुत खूब बहुत खूब बहुत आनंद आया। बहुत खूब बहुत इसी तरह की राग हमें लगता है कि और सुनते रहे बजाय सवाल जवाब के। बिल्कुल कोई ऐसी और कोई चीज ईश्वर तत्व में जो आपको सबसे श्रेष्ठ रचना लगती हो आप सबके सामने? एक केदार की बंदिश है, भजरे मन विश्वनाथ जैसे मन आवे देख वाहु नैनन सो जहां जहां मन जावे। सयन करत प्रणाम ध्यान सयन करत प्रणाम ध्यान निद्रा लेत ज्ञान निदान चलत फिरत प्रदक्षिण मन जहां जहां मन जावे। वाह वाह वाह। इसका स्वरूप देखिए। भजे रे मन विश्वनाथ भजरे मन विश्वनाथ जैसे मन आवे देख वाहु नैनन सो सयन करत प्रणाम ध्यान सयन करत प्रणाम ध्यान निद्रा लेत ज्ञान निधान चलत फिरत इसमें क्या आपको किसका स्वरूप दिखता है? ये तो बिल्कुल ईश्वर तत्व के बिल्कुल समग्र स्वरूप में एक तरह से गोते लगाने आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे उसके पहले तो नहीं होगा। हाँ। चाहे आप कोई भी गाएं, कोई सा भी राग गाएं, कुछ भी गाएं, चाहे आप ध्रुपद गाएं, ख्याल गाएं, ठुमरी गाएं, भजन गाएं, हर एक की शैली है। जब तक आप उसको नहीं अपनाएंगे उसके पहले तो नहीं होगा। हमारे यहाँ ये भूल गए, ये भूल गए। मैं ध्रुपद गायक को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए 30-30 नंबर के ध्रुपद के पेपर है डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी में, वो कौन सिखाता है? क्या यूनिवर्सिटीज के पास में इतने पैसे भी नहीं है कि किसी ध्रुपद को गायक को बुला के उससे ध्रुपद दमार सिखवा लें? सईदुद्दीन साहब सही फरमा रहे हैं आप कि बाकी जो गायकी का है उसमें वो UGC की क्वालिफिकेशन से ज़्यादा क्वालिफिकेशन उनकी गुरुकुल परंपरा से जो पढ़ करके आए हैं वो परंपरा भी उतनी ही समृद्ध है। बिल्कुल वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ध्रुपद जी ये सामवेद पर आधारित है पूरी तरह से, और सामवेद संस्कृत की एक विशिष्ट रचना जी। आप ध्रुपद को साधक हैं, ध्रुपद की साधना कर रहे हैं पीढ़ियों से जी।
तो संस्कृत के साथ में कैसे आप लोग संस्कृत भी सीखते हैं? जी थोड़ा सीखा, क्योंकि धरते ब्रह्म भरम भेन्द्र शो ब्रह्मीन दम तव सो यशाशो विव्यापी। ये तो हमें सीखना ही पड़ता है, क्योंकि बगैर इसके उच्चारण नहीं कर सकते हम। और सही उच्चारण के लिए जो श्लोक हमें बताए गए हैं कि मंगल कलश द्वयमय कुंभ मदन भेन भजत गज वदनम, मंगल सिर्फ मंगल नहीं है, मंगल को कहाँ कहा जाएगा? मंगल कलश द्वयमय कुंभ मदन भेन भजत गज वदनम यद्दान तोई तरल तिल तुल ना लंब रोई लंबई पाणी ग्रह पुलिकितम वभूषितम जयते उसमिन यस्मिन भस्मावशेषो भी। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। मैं चाहूंगा इसको भी एक इसकी भी प्रस्तुति हो जाए सामने। मंगल कलश द्वयमय कुंभ मदन भेन भजत गज वदनम यद्दान यद्दान तोई करलै तिल तुल नालंब लंब लंब रोई पाणिक्रय पुलिकितम वभूषितम जयते भुस्मिन यस्मिन भस्मावसे बहुत खूब। संस्कृत के साथ साथ आप तो, क्योंकि आपका जन्म राजस्थान में हुआ, परवरिश आपकी कोलकाता में बंगाली माहौल में हुई, और उसके बाद अब मराठी परिवेश में आप पूना में रहते हैं। बहुत सारी भारतीय भाषाओं की जानकारी है, और विदेशों में भी आप बहुत सारी भाषाओं की जानकार हो गए। विदेशी की भाषा तो नहीं आती मुझे, सिर्फ एक ही भाषा आती है जो इंग्लिश, उसके अलावा मैं नहीं बोलता। तो आपने इसको ध्रुपद में किसी और भाषाओं के साथ में भी कोई एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, देखिए वो मूल के साथ में छेड़छाड़। बिल्कुल, देखिए हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत खूब। अगर मैं चाहता या मेरा परिवार चाहता तो बाहर के जो इतने बड़े बड़े कंपोजर हैं उनके साथ में, जो आज की तारीख में जिस तरह से वो फ्यूजन म्यूजिक जो चल रहा है उसके साथ में हम कर सकते थे, हमें अच्छा खासा पैसा मिलता, लेकिन हमारी परंपरा नहीं रहती, फिर हम परंपरा से टूट जाते हैं। और हमारे गुरुजनों ने क्या कहा, बेटा ये गाना भूखे रह के गाया जाता है। हम जब कार्यक्रम देते हैं तो सुबह से कुछ नहीं खाते साहब, कार्यक्रम के बाद में खाते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ का दस्तूर कि जब हम कार्यक्रम के लिए तैयार होते हैं तो उसके बाद में हम टॉयलेट भी नहीं जाते जब तक कि कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाए, नहीं तो दोबारा नहाना पड़ेगा। ये मंदिरों की परंपरा, मंदिरों की, तो ये मेरी परंपरा नहीं है, ये पूरी पुरानी परंपरा चली आई, और ये सीना बा सीना चली आई है। आज जो आप सुन रहे हैं ये सीना बा सीना है, लेकिन खाली फर्क कहाँ पड़ जाता है, टेम्परामेंट का। आपका अलग है नेचर, मेरा नेचर अलग है। आप, मैं क्रोध वाला आदमी हूँ, आप शांत वाले आदमी हैं, लेकिन संगीत में जो रस है उन रसों पे अगर आप देखें, बात करने में भी वो रस आता है। बिल्कुल, बात करने में भी रस आता है। और पहले मनुष्य रहो, कलाकार हम बाद में, ये हम भूल जाते हैं। स्टेज पे जाने के बाद हम युवा हो जाते हैं। हमारे पूर्वज क्या कहते हैं, बेटा ऐसे रहो नहीं तो ये विद्या गिर जाएगी,
यूं किया तो विद्या गिर जाएगी, इसलिए ऐसे रहो, उसके वजन को सहना है तो झुक के चलो, और झुक के चलोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। आपने अभी चर्चा की कि ब्रह्म मुहूर्त में जी, और ब्रह्म मुहूर्त को भी आपने और ज्यादा उसकी परिभाषा भी बताई कि सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच में भी आप साधना करते हैं, तो ये अभी भी ये परंपरा चल? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपका जो रूटीन है, अपनी जो दिनचर्या है, वो किस तरह से व्यवस्थित करते हैं? देखिए ऐसा है कि कार्यक्रम तो हमें रोज नहीं मिलते, लेकिन रियाज 4 घंटे रोजाना चाहिए, तब 1 घंटे के स्टेज परफॉर्मेंस सही है। और दुर्भाग्य से मेरा कुछ 2 एक्सीडेंट ऐसे हो गए मेरे, एक तो 50 फीट गाड़ी नीचे गिर गई थी तो उसमें बच गया मैं, तो कमर में चोट लगी और 2 साल तक नहीं गा पा जा सका, बिस्तर पे लेटा रहा। उसके बाद में इटली में फिर से गिर गया, और उसी की जगह पे थोड़ी सी चोट लगने की वजह से थोड़ा सा मेरा जो देखिए आवाज़ जो है वो ब्रह्मग्रंथि से होके आती है, और ब्रह्मग्रंथि को अर्थ जब तक के ये पावर नहीं मिलेगा तो ना भी नाद नहीं बोलेगा। मुझे इस पे बैठ के मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहाँ चलाऊँ अर्थिंग। हाँ वाह, क्योंकि ऐसा कहा गया कि ब्रह्मग्रंथि से के थ्रू होके ईड़ा पिंगला होके आवाज आ रही है। वाह, ब्रह्मग्रंथि, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रह्मग्रंथि के बारे में और बताने की। ब्रह्मग्रंथि ये आवाज यहाँ से आती है, हम जो बैठते हैं मूलाधार, मूलाधार के वो उस तरह से करके जो ईड़ा पिंगला होके आवाज आती है, और नाद नाभि जो है, जो नाद का स्वर है वो नाभि यहाँ है, उसको हम लोग 2-3 इंच टर्न लेती है, तो जो उसका वाइब्रेशन है उसको हम कंट्रोल करते हैं रियाज करके, तो लेकिन एक चीज का हमारे यहाँ खास तौर से देखिए मूवमेंट तो होंगे, लाइव है, जिंदा है तो मूवमेंट तो रहेंगे, लेकिन हम इस पे आधार नहीं है कि अगर हाथ यह नहीं जाएगा तो स्वर भी नहीं जाएगा। मुद्रा दोष हम लोगों में नहीं देखेंगे आप, हमें इजी बत करके बताया कि अगर तुम ऐसे करके गाओगे तो स्वर भी वैसे ही लगेगा, तो सीधा रहो, शांत रहो, रिलैक्स रहो, जब आप इस तरह से रहोगे तो बता भी सकोगे। ये 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हम को सिर्फ सारे गा 1100 दाने की माला हाथ में, जाओ बेटा 1 स्वर की 11 माला कर लो। एक माला 1100 दाने की, उसको 11 दफे रिपीट करने में कितना समय लगेगा, और 1 स्वर की जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे हम चेंज नहीं कर सकते। उस परिवार से हम लोग हैं और उस परंपरा से हमने सीखा। आज किसी को बोलते हैं कि भाई जरा सही करो तो 1 हफ्ते के बाद में वो स्टूडेंट बोलते हैं कि गुरु जी और कितने दिन यमन चलेगा, अब तो मैं उससे कंटाल गया हूँ। जबकि हमारा प्रथम राग भैरव और दूसरा राग यमन है, साधना है। एक मतलब यूं देख लीजिए, एक पुरुष लिंग के हिसाब से भैरव और स्त्री लिंग के हिसाब से यमन, क्यों? सारे सारे गा मा प द नि सा, इसमें पुरुष लिंग दिख रहा है आपको, सारे गा मा प द नि सा, और जब यमन पे आते हैं क्योंकि यहाँ 12 बजते के साथ PM सा नि र प म ग रे सा, तो यमन में हम जैसे मम्मी से बात करते हैं, भैरव में हम पिता से बात करते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख के करते हैं, माँ से हम कहें नहीं माँ हम ऐसे करेंगे, विनम्रता रहना आग्रह रहना, ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना विचार। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं, वाकई है। और संगीत, और जो शास्त्रीय संगीत और ध्रुपद की अगर बात करें तो ये शुद्धतम स्वरूप है अपने, उसमें कोई किसी तरह की मिलावट होने की गुंजाइश नहीं रखी। साहब देखिए राग तो वही है, शैली बदलती है, लेकिन शैली में जो ख्याल गायकी में
जितने दमखम के साथ में और जितनी लंबी सांस के तान भीमसेन जी की थी किसी की भी नहीं थी। पंडित भीमसेन जोशी कुछ बहुत बड़ा महान कलाकार हुआ है। हम सिर्फ अपने परिवार की बात नहीं करते हैं, सभी जितने भी गुणीजन हैं, जितने भी लोग हैं आज की तारीख में, वो स्वर साधना के हैं, स्वर के उपासक हैं, साधना करते हैं, वो ईश्वर उपासना के हैं, तो वो भक्ति दिखेगी आपको। और जब उससे हटते हैं तो जैसे हमको ओढ़ाए चादरिया चलती हुई आ रही। सही है बहुत अच्छा। जो जितने साधक हैं और जो श्रेष्ठ गुणीजन है उनकी सराहना, वो भी एक तरह का एक अपना प्रार्थना है, बिल्कुल आराधना है, वो भी इबादत नहीं तो क्या उन्होंने नहीं सीखा इस प्रकार से? उन्होंने भी उसी परंपरा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक और बात जो आपने कही कि अपने ध्रुपद के समय बिल्कुल अपने बिल्कुल सामान्य दृष्टिकोण, बिल्कुल प्रार्थना का भाव, ध्रुपद जब प्रार्थना का संगीत है, प्रार्थना की भाव है, तो उसी स्वरूप में लिया जाए। हमारे यहाँ तो संगीत की इतनी समृद्ध परंपरा है कि वीर रस वाले युद्ध के समय का संगीत अलग है, इबादत का संगीत पूरी तरह से अलग है। आपको वीर रस की बात जहाँ आपने कह दी ना, देखिए अडाना वीर रस का राग है, उसमें शिव की स्तुति देखिए, शिव 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 शंकर आदि देव शंभु भोलानाथ योगी महादेव, शिव 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 शंकर आदि देव शंभु भोलानाथ योगी महादेव, शिव 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 महाबली शिव आदि अंत शिव, महाबली शिव आदि अंत शिव पूरन सकल का, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शिव 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 शिव। देखिए कविता जो है वो श्रृंगार रस की है, श्रृंगार रस कविता जो है जागृत कर देती है। बहुत बढ़िया। लेकिन श्रृंगार किसका? ईश्वर का। ईश्वर का श्रृंगार अष्ट सेवा, हम अलापचारी में अष्ट सेवा करते हैं। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ऐसी कोई और रचना? अब जो कि ये अडाना जो है वीर रस का ही राग है। अब इसका नहीं कह सकता, जो उसका सिद्धांत है वो मुझे लेना ही पड़ेगा, उन सिद्धांतों से मैं नहीं हट सकता। दूसरी बात जो राग इस प्रकार से गाओ रे मन, देखिए कविता देखिए, गाओ रे मन वो ही नाम, पहले कलाकार खुद कह रहा है गाओ रे मन वो ही नाम, फिर सबको कह रहा है गाओ रे मन वो ही नाम, जाको रचित ये विश्व धाम। किसका रचित किया हुआ है? ईश्वर का। गाओ मन वो नाम है जाको रचित ये विश्व धाम है, जाको नाम है करत पूरण काज साधो जन मन जाको धारे मन वो। ये मुझे अब इस कविता को मैं कैसे रखूं, इसमें अखाड़ेबाजी तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। साधो जन मन जाको साधो साधो जन मन जाको निवास जाति की कर जग प्रकाश, जाको रूप पुष्पन में विकार, पुष्पन में विकार हृदय में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये रसों की सृष्टि यही संगीत है। बहुत बढ़िया। और ये किसी न किसी स्वरूप में मनुष्य को आकृष्ट करती है, मानव मात्र नहीं जीव मात्र को भी आकृष्ट। और ये हमने कुछ नहीं किया, ये पुरानी चीजें हैं, पुरानी चीजें पुरानी चीजें
कोई मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जय श्री, ये राग लास्ट जो राग था ये जय श्री का है, और ये जो भी बंदिश अभी तक मैंने पेश किया, जो कुछ भी मैंने गाना किया वो परंपरागत किया है, उससे हटके नहीं किया मैंने। सईदुद्दीन साहब, आप मतलब वैसे तो देखा जाए तो हर राग आपका अपना महत्व है, हर राग की अपनी शैली, और आपने हर राग में गाया है। मैं आपसे वैसे आपकी जो मोस्ट फेवरेट राग जी उसके ऊपर कोई प्रस्तुति आपकी? देखिए मुझे कोमल स्वरों से बचपन से लगाव था, और पिताजी हर वक्त ये कहते थे कि क्या है ये, क्या है ये, हर वक्त तुझे कोमल स्वरों का, तीव्र स्वरों के भी राग है ना। मैं कहता मैं क्या करूँ, मुझे जो पसंद है मुझे जो पसंद है। तो वो कहने के कि नहीं, और भी सीखे मैंने जितना भी सीख सका मैं, दुर्भाग्य मेरा कि मेरे जल्दी जल्दी मेरे पिताजी का ध्यान भी हो गया, मेरे अंकल का भी ध्यान हो गया, फिर मेरे दोनों भाई भी का नसीर पड़ी फैयाजुद्दीन जहीरुद्दीन डागर इनका भी ध्यान हो गया, तो अब तो मैं अकेला रह गया। अकेले नहीं, आप आपके साथ में दोनों बेटे हैं। पर मैं अब जब मुड़ के पीछे देखता हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं है, वो एक बड़कपन जो होते हैं वो भाइयों में नहीं रहा, बड़ों में वैसे तो बुजुर्ग है मेरे अभी, लेकिन मिसेस फहीमुद्दीन डागर जो है हमारे घर के सबसे बड़ी बुजुर्ग हैं। देखिए क्या आपका सवाल था फिर से? मैं आपकी जो फेवरेट राग में जो सारे लोग आए और चले चले रहना। मैं भी इस तरह से एक दिन चला जाऊंगा। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मैं आना चाहता हूँ आपके बाद जो अगली पीढ़ी गा रही है नफीसुद्दीन साहब, आप जो राग, सबसे पहले तो आप क्या संगीत के बारे में और ध्रुपद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पिताजी ने ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया, वही चीज़ों को हमें भी सिखाया गया है शुरू से ही कि गाने को किस तरह से, जैसे पिताजी बताते कि हर आप जो जब भी आपका कि आप अपना हमारा खुद का क्या नेचर है उस हिसाब से भी हम गाते हैं। अब जैसे हम दोनों, हमारी जो तालीम शुरू हुई तो हमारे दोनों बड़े ताया नसीर फयाजुद्दीन डागर, नसीर फयाजुद्दीन डागर से उससे शुरू हुई, उनको ही देखते हुए हम बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए, तो बचपन से कुछ ऐसा था कि दोनों उनको तायाओं को देखते थे साथ में बैठ के कि वो लोग किस तरह से गाते हैं। तो हमारे पिताजी ने, हमारी माँ ने हम लोगों को कुछ इस तरह से बचपन में, जब हम जयपुर में यहाँ चौखट पर रहते थे, तो कुछ देखा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को देखकर हमें गाने की तरफ, हमारे तायाओं से हमारी शुरुआत कराई गई। तो जैसे उन्होंने उनको देखते हुए तो एक वही दिमाग में आगे बढ़ती वही चीज़ और आगे हमारे एक दस्तूर और है कि मेरे से अगर बड़े मौजूद हैं तो बड़े ही शुरू कराएंगे, बड़े शुरू कराएंगे। बहुत अच्छी बात है। अनिसुद्दीन साहब जी, साहब क्या कहना चाहेंगे ध्रुपद के बारे में? ध्रुपद के लिए सबसे बड़ी बात यही कि आज ऊपर वाले के कर्म से ध्रुपद का और ख़ानदान का इतना नाम, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि
इस घर में पैदा होना सबसे बड़ा हमारे लिए फखर की बात है कि हम इस घराने में पैदा हुए। आज बड़े भाई मेरे नफीसुद्दीन और मैं छोटा अनीस, हम दोनों साथ में गाते हैं। दिल्ली में जो हमारे भाई हैं वासिफुद्दीन वासिफ भाई, उनसे हम सीखते हैं। जो वो गुरु है वो हमारे गुरु भी हैं, पहले गुरु हैं बाद में भाई हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और बात रहती है, 19वीं पीढ़ी, 20वीं पीढ़ी, 21वीं पीढ़ी भी शुरू हो गई है। हाँ, ऐसी आशा है, ऐसी आशा है। उन्होंने अपना शुरुआत हाँ, वासिफ ट्राई कर रहे हैं, वासिफ कोशिश कर रहे हैं इस तरह से करने की। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में ये आ रही है, हमें कुछ सीखने वाला तो आए। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे। मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कि आप एक कार्यक्रम में, अगर साल में एक ध्रुपद का प्रोग्राम होगा तो आप ध्रुपद के लिए जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इतने प्रोग्राम, अगर 100 प्रोग्राम हो रहे हैं तो कम से कम उसमें 10% तो रखिए, 10% ध्रुपद तो रखिए, तो नहीं तो ये सर्वाइव कैसे करेगा। देखिए, हम तो इसके लिए समर्पित हैं, कोई सुने या ना सुने। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही जहीदुद्दीन साहब आपने। ध्रुपद एक शुद्धतम शैली है, ईश्वर की स्तुति है, सूर्य की आराधना है, ईश्वर की इबादत है। और अगर इस शुद्धतम स्वरूप को हमारे दर्शक और हम सब मिलकर के अगर प्रोत्साहित करेंगे तो शुद्धतम शैली पूरी दुनिया में छाई रहेगी। बिल्कुल। आज आप स्टूडियो में पधारे, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत आनंद आया, बहुत ईश्वर की आराधना की बहुत खुशी है। मैं दोबारा से आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया और ऐसे ही आगे भी याद करते रहेंगे। बिल्कुल, आपका ये स्नेह बरकरार रहेगा हम सबके ऊपर। और अब आज के कार्यक्रम के लिए हम दर्शकों से और सबसे इजाजत लेते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।